Hey guys, good evening. आज है 31st दिसंबर, बस 2020 खत्म हो चुका है और आज हम जाने वाले हैं पार्टी में. तो पार्टी के लिए मैंने आज ये वाली ड्रेस निकाल के रखी है, मतलब ये जैकेट निकाल के रखी है. इसको मैंने 3 years पहले लिया है बट आज तक मुझे कहीं पहन के बाहर जाने का मौका नहीं मिला है क्योंकि यहाँ साउथ में तो गर्मी रहती है और आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है. अभी भी पूरी धुंध है, सुबह से बस बारिश ही हो जा रही है. तो मस्त वाला मौसम है और गर्मी, इसको पहनने से बहुत गर्मी लगती है. मैं आपको बता दूं, बैठती भी हूँ मैं ना इसमें वीडियो बनाने के लिए, पूरे पसीने पसीने हो जाती हूँ. आज का मौसम बिल्कुल सही है. अदरवाइज उधर आप देख रहे हो इंडिया की, मैंने 2 दिन कुर्ती निकाल के रखी थी पहनने के लिए बट फिर मैंने जब वार्डरोब खोला ना तो मैंने देखा कि ये वाली जैकेट को मैंने कभी नहीं पहना है और ये पार्टी वार्टी के लिए ही है. तो चलो आज पहन लेते हैं, मौका भी है, पार्टी भी है और मौसम भी अच्छा है. उधर पीछे नितेश के लिए भी कुछ टी शर्ट और शर्ट निकाल के रखे हैं, अब वो क्या पहनेंगे पता नहीं, कुछ डिसाइडेड नहीं है. तो कपड़े निकाल दिए हैं, आयरन भी कर दिया है और ज्वेलरी में मैंने ये निकाला हुआ है, देखते हैं पहनूंगी, सूट करेगा तो, अदरवाइज़ कुछ नहीं पहनूंगी. जैकेट ही अपने आप में स्टेटमेंट पीस है. तो पार्टी में जाना है तो थोड़ा मेकअप करने का सोच रही हूँ. एक्चुअली मैं अभी हेयर कट कराने के लिए निकल रही थी 5 बजे के आसपास, फिर मैंने देखा कि अरे यार मैं एक्सपोर्ट कर रही थी वीडियो नैनीताल ट्रिप वाला और फिर देखा कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ है. फिर मुझे लगा अभी एक्सपोर्ट करना, फिर उसको अपलोड करना, इसमें काफ़ी टाइम जाएगा. अभी जा करके वो अपलोड हुआ है, थंबनेल वगैरह लगा के शेड्यूल कर दिया है मैंने 7:30 बजे के लिए, आज 7:30 बजे के लिए इस ईयर की वीडियो इस ईयर चली जाए. और इसलिए मैं फिर नहीं गई और बारिश भी हो रही थी ना, यहाँ से 500 मीटर में ही है नेचुरल्स, बारिश भी हो रही थी तो फिर मैं नहीं गई. मैंने सोचा ठीक है आज नहीं कट करेंगे तो नहीं करेंगे, कल अगर नहीं ओपन होगा तो कल तो नहीं कटवाऊंगी, सैटरडे या फिर संडे को जाके हेयर कट करा लूंगी मैं. मुझे कट कराना है क्योंकि बाल बहुत रफ हो गए हैं नीचे की साइड में. मैं सोची थोड़ा मीडियम साइज करा लो, अभी लॉन्ग हेयर बहुत हो गया, बहुत टाइम से रख लिया मैंने लॉन्ग हेयर, बस यहाँ तक फ्रंट में यहाँ तक है, बस उतना कट करवा लूँगी मैं तो वो करवा लेंगे. और आईब्रोज भी बढ़े हुए हैं बट अब नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, थोड़ा देखते हैं मेकअप करके इसको ठीक कर लेंगे. तो चलिए फटाफट से मेकअप करते हैं इससे पहले कि नितेश आ जाए, और नितेश आएंगे तो फिर वो रेडी होने लगेंगे, इसलिए मैं पहले ही रेडी हो जाती हूँ. अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारे बोलने पे पहने हैं, तुम्हारे बोलने पे हम बूट्स पहने हैं, बूट्स. फाइनली यार ये जैकेट पहनने को, मैं मतलब सोचती थी कब पहनूंगी, फाइनली आज मैं ये जैकेट को पहना हूँ. वीडियो में सिर्फ पहना है ना, कहीं पहन के गए नहीं है. रेडी, हम बहुत लेट थे और यार ट्रैफिक इतना ज्यादा है, 20 मिनट से यहीं फंसे हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं कब पहुंचेंगे. जाओ आगे, जल्दी चलो चलो, ये कार तो हिल भी नहीं रहे यार, कब जाएंगे हम. अभी तक हम त्रिची रोड में ही हैं, 20 मिनट से यहीं पे फंसे हुए हैं. In China, but it's been pretty much under control since the spring. So, back to normal has it been since then? उधर कहाँ जा रहे हो? Hello.
One.
रात के 1 बजे से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी लग नहीं रहा है कि 1 बजे हैं। सभी लोग मतलब अभी जैसे लग रहा है पार्टी करके निकले हुए हैं, सब अब वापस जा रहे हैं। मतलब इतने बजे रात में हम लोग इससे पहले भी आए हैं, बस वो सब चल रहे हैं। तो फाइनली न्यू ईयर हो गया स्टार्ट 2021। भगवान करे सबके लिए अच्छा हो ये 2021। 20 कब आया कब गया, दहशत में रह के सब घर में रह के पता ही नहीं चला। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। तूने बोलोगे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द फैंस एंड फॉलोअर्स ऑफ तृप्ति गुप्ता YouTube फैमिली। हैप्पी न्यू ईयर टू YouTube फैमिली। आप लोगों ने क्या क्या किया न्यू ईयर में बताइएगा जरूर। ये जो पार्टी में हम गए थे यहाँ सिर्फ BPCL जो अपार्टमेंट है वही वाले थे, बाहर से सिर्फ हम दोनों गए थे और कोई भी बाहर से नहीं था। बस छोटी सी पार्टी थी, बाहर किसी को जाना नहीं था तो परमिशन लेकर के अपार्टमेंट में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। खूब मजा आया, सबने खूब मजा किया और बस अब घर जा रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या करना है। कल में भी हम कोई मंदिर जाएंगे पर मंदिर तो खुला ही नहीं है और भीड़ भी बहुत होगा। वो मेरा मेकअप अभी तक है। वाओ, घर आ चुके हैं और रात के पूरे 1:30 बज रहे हैं, 1:30। और मुझे मिला ये गिफ्ट, फर्स्ट प्राइज फॉर म्यूजिकल चेयर। जब मुंह में लगती है ऐसे पकड़ो, जो ऐसे से मैं जीप से आते घुमा तुरंत इधर घूम जाते हैं। हम बहुत बढ़िया टेक्निक लगाए थे इधर उधर करने का। क्या, व्हाट इज दिस? ओके, ग्लास आइटम, नाइस। नींद बड़ी आ रही है। मेकअप मैंने काफ़ी अच्छा किया था बहुत दिनों के बाद मैंने मेकअप किया था। अच्छा, ये फ्लावर मैंने आपको नहीं दिखाए थे ना, देखो ये फ्लावर्स मैंने मतलब दिखाए थे आपको, अभी जा करके इसका वास में लेकर के आई हूँ। कहाँ से? नैनीताल से। तो जा करके इसको मैंने लगाया, कितना तो खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ओ माई गॉड, दिख रहे हो आप। चलो फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग देख करके अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। भगवान करे कि ये 2021 हम सभी के लिए अच्छा हो। और फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe.